नमस्कार दोस्तों, हम राज चौरसिया का। तो दोस्तों बहुत दिन से दोस्तों बहुत भाई हमारा कमेंट किया है, समझिए इतना भाई लोग इंतजार किए इस वीडियो में बनाया हूँ। जो कैसे हर एक वीडियो ऐसा नहीं बनता है दोस्तों, मैं जितना मेहनत करके इस वीडियो में बनाया हूँ तो समझिए प्लास्टर में कोई कठिन काम नहीं है। अगर लटक भी एवं वीडियो में कुछ ऐसा तरीका आप लोग को मैं बता रहा हूँ से, अगर वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिए दोस्तों। कैसे आपका छोटा भाई बहुत मेहनत किया है, बहुत समझाया है। अगर ऐसा ऐसा वीडियो मैं बनाकर आप लोग के लिए भेजता हूँ, अगर आप लोग बहुत पब्लिक जुड़ चुके हैं, अगर आप लोग पूरा शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखकर अगर नहीं आप लोग सीखिएगा तो हम इतना मैं बहुत बोल के सिखाया हूँ। अगर जो भाई अगर वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं तो उसको लटक बीम कल से बनाना बिल्कुल आसान तरीका हो जाएगा। कैसे बहुत इसमें समझा दिया हूँ, उसी तरह से आप लोग बनाइएगा। तो चलिए, हमारा कोशिश रहता है मैं जो भी सारा वीडियो डालूँ वो आप शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिए। हमारा चैनल पर आप लोग अगर पहली बार आकर अगर वीडियो देख रहे हैं इस तरह के वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए और बेल आइकन पर जरूर दबाइए। कैसे एक से काल आप लोग के वीडियो प्लास्टर का एक से काल मैं दिखाते रहता हूँ हमारा चैनल पर, आप लोग खोल के देख सकते हैं। मैं आप लोग के लिए घर बैठे मैं अच्छा से अच्छा वीडियो मैं सिखाऊंगा, तो आप लोग सीखिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगा के वीडियो के हम शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करना, हर भाई लाइक करेगा तो हमारा हौसला बढ़ेगा से अच्छा वीडियो इसी तरह समझा कर मैं आपको दिखाऊँ। तो वीडियो पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख के कमेंट में भी बताइएगा क्या चीज़ पर आप लोग के प्लास्टर में दिक्कत है, मैं उस पर वीडियो बनाकर आप लोग भेजेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू। तो जैसे हमारा पिलर आप लोग के दिखाई दे रहा है, ये पिलर में समझिए हमारा बहुत मसाला सूखता है, इसमें अच्छा से इसको तराई कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ऐसे हमारा पिलर बनाइएगा तो पूरा गीला गीला एकदम अच्छा काम होने के लिए हमारा प्लास्टर करने से पहले तराई अच्छा होना चाहिए। तो देखिए हम मसाला भी बना रहे हैं बहुत दोस्तों, टाइम नहीं है हमारा पास, माने आप लोग के मैं टाइम निकाल कर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं इस तरीका से आप मसाला बिल्कुल हाथ में आप रख सकते हैं, ना ज़्यादा गीला और ना ज़्यादा सूखा, हमारा बीम पूरा सर होना चाहिए। तो चलिए मैं इस पर दो बीम है, एक यहाँ पे है एक इधर भी है, मैं नेरू कैसे मारना चाहिए और घोला, आप ध्यान से वीडियो पर बने रहिए, एक लाइक तो जरूर बनता है ना दोस्तों। दोस्तों तो ये हमारा चारों कोण बनाना है, चारों बगल तो हम आप लोग के बोलूँगा, मैं कितने बार वीडियो में आप लोग के मैं इतना बताता हूँ, आप लोग के दिमाग में सेट कीजिए। घोला बहुत मोटा होना चाहिए पिलर में और अच्छा से बिल्कुल पूरा चारों कोण में हमारा घोला लगाते हैं। तो देखिए हम कैसे लगा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर हम ऊँच है थोड़ा बिन तो हम इस पर चढ़ जाएंगे, इसको ऐसे आप लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए अब ये साइड हमारा लग गया, फिर इधर भी लगा दीजिए आप, जैसे हम चारों कोण मार लेते हैं गोला, उसके बाद क्या होता है देखिए दोस्तों, उधर भी हो गया और इधर भी है गोला। देखिए दोस्तों इस तरीका से आप गोला लगा लेना दोस्तों, बाकी इधर भी मार लेते हैं दोस्तों। गोला लगाने बाद विश्वकर्मा भगवान के आप गोर लाग लेना दोस्तों, आ इस तरीका से आप ऐसे दोस्तों साफ हाथ पकड़ कर बिल्कुल अच्छे से साफ एक बराबर लगभग पौन इंची छापिए इस पर, जैसे हम बता दिए दोस्तों हमारा हेल्प हरे इतना ना रहता है वही छाप देता है। तो चलिए हम दूसरे बीम में घोला मारने जाता हूँ, कल वीडियो को बन रही देख सकते हैं दोस्तों, हम पूरा चारों तरफ से हम पूरा इसको पिलर के घोला मारकर छाप लिए हैं, आप लोग के दिखाई दे ही रहा है। तो अब दोस्तों अब छापने के बाद आप नए आदमी क्या करिएगा, देखिए मिस्त्री तो इसको चाहिएगा तो बनाइए लीजिएगा, माने नया आदमी के कितना डिस्टर्ब होता है हमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है दोस्तों। तो मैं जैसे जो माने नया आदमी के मैं जैसा बता रहा हूँ, अगर वैसे हमारा भाई लोग जो देख रहे हैं अच्छा सिस्टम सीख लीजिएगा ये पिलर बनाने का। तो चलिए मैं फंटी ले आता हूँ, तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं हम साहुल और फंटी, साहुल के तो ज़रूरत पड़ेगा, कैसे हमारा सीधा पिलर होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों नया आदमी इस पर आप फंटी मार सकते हैं कि मैं मार के मैं समझा रहा हूँ, वैसे आप मारना चारों बगल कैसे आप फंटी लगाइएगा, अब बिल्कुल आपका धार बनाने में आसान तरीका हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों इसको हम पहले पिटिया लेते हैं। देखिए इस तरह से दोस्तों ऐसे आप एक बराबर पिटिया लीजिए दोस्तों। पिटियाने के बाद दोस्तों क्या हो रहा है तो आप लोग देखिए, जैसे हमने चिपिया दिए हैं, अब हम यहाँ पे साउल लगाते हैं। इससे हमारा हम नए आदमी हैं मान लीजिए आप लोग, तो हम इसको साहू लगा कर चेक करेंगे से कैसे हमको फंडी चलाना है। तो देखिए ये हमारा छापा हुआ बिल्कुल साहूल में लग रहा है, तो हम इसको दोस्तों यहाँ पे फंडी लगाएंगे, इसको यहाँ पे सीधा इसको हल्का हल्का दोस्तों बिल्कुल आप लोग के जैसे देखिए ये आप लगाने के बाद ऐसे बिल्कुल इसको सीधा बनाइए ऐसे। अब बिल्कुल दोस्तों पिलर पर है ना दोस्तों, कुछ ज़्यादा मोटा मसाला मत करिएगा, ऐसे कढ़ी से घोंप के या बस काटिएगा आप। तो हम इसको ऐसे देखिए दोस्तों, ऐसे करने के बाद दोस्तों पूरा ये हम फंडी में करेंगे, तब तो साहुल लगा कर देखेंगे साहुल में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब तो आपको मैं बताऊंगा। ऐसे दोस्तों पूरा ये हमारा ऐसे देखने में पूरा ये हमारा सीधा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जब ऐसे दोस्तों पूरा ये हमारा फंडी में हो जाएगा ऐसे, देखिए दोस्तों जब ऐसे हो जाएगा तो हम साहुल लगा कर देख रहे हैं क्या डिसीजन है, साहुल में है या नहीं है। देखिए दोस्तों बिल्कुल साहुल में है ये हमारा, पूरा फंडी में और साहुल में है, तबे हमारा समझिए हो गया साहुल फंडी में दोनों। अब इधर से हम दूसरा लगा कर भी बना सकते हैं, अब दूसरा भी साइड चलते हैं, तो दूसरा साइड भी आप पहले फंडी